जी अस्सलाम वालेकुम, मैं किंग शेफ शाहजट और आज बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आऊँ, अब्बा बिरयानी जो कि काफ़ी मशहूर है हमारे कराची में, अब्बा की बिरयानी। तो आज है हम अब्बा आपको सिखाएंगे अब्बा की बिरयानी। देखिए बिरयानी है तो सब एक ही किस्म की होती है, थोड़े बहुत मसालों का फ़र्क होता है और बस और कुछ भी नहीं है, बस नाम है कि जी फलाने की बिरयानी फलाने की। मगर हमने कोशिश की है कि अब्बा की बिरयानी की रेसिपी आपको दें, और अब्बा में जो पका रहा बंदा वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, उससे बड़ी मुश्किल से लिए। वो कह रहा था कि यार नाम नहीं लेना, मगर मैंने कहा अब्बा एक थोड़ी रहा काफ़ी अब्बा है, तो इसलिए आज हम आपको सिखाएंगे अब्बा की बिरयानी। चले आए बनाते हैं 2 किलो सेला चावल की अब्बा की बिरयानी। सही जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने 2 किलो चावल ले लिए थे सेला अच्छे वाले, ये है 370 रुपये वाले अच्छे एक नंबर चावल जो तमाम अच्छी बिरयानी की दुकानों पर चल रहे हैं। उसको हमने 2 घंटे भिगोया और उसको हमने तकरीबन पानी इतना डालना है कि उसका डबल पानी, यानी कि 15-10 किलो पानी डालना है, और उसके अंदर आपने डालना है ये टेबल स्पून, तकरीबन 10 टेबल स्पून डालेंगे नमक का। जैसे उबलने लगे वैसे आपने पका के, और इस कंडीशन में देखें ना कच्चे हैं और ना ज़्यादा पके हैं, बिल्कुल खड़े खड़े चावल हैं। ये देखें, ये जब हम दम लगाएंगे तो ये अपनी कंडीशन में आ जाएंगे। 2.5 किलो गोश्त ले रहे हैं हम चिकन का, सही कोई सा भी आप ले लें, बड़ी बोटी का, रानों का, और देखें इस तरह का ले लिया। अच्छा जी, 1/2 किलो हमने टमाटर ले लिए हैं, तकरीबन 25 ग्राम हरी मिर्चें और तकरीबन 15 ग्राम गरम मसाला है, तमाम किस्म का इसके अंदर, लौंग भी है, इलायची भी है, बड़ी इलायची भी है, छोटी इलायची भी है, और ज़ीरा भी है। वो हो गया। अच्छा जी, 1 गड्डी पुदीना, 1 गड्डी धनिया, ये हो गया। अच्छा जी, थोड़ा सा ये केवड़ा जाएगा, ज़ाफ़रानी केवड़ा हसबे ज़रूरत, 1/2 टीस्पून डाल दें या 1 टीस्पून डाल दें, जितना आपको पसंद हो। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा तकरीबन 4 टेबल स्पून, दही जाएगा तकरीबन 200 ग्राम, प्याज जाएगा तला हुआ प्याज ब्राउन किया हुआ तकरीबन 100 ग्राम, कुटी मिर्चें 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, जीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पिसा हुआ भी डलेगा इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत क्योंकि चावल में भी है, इसमें आप जब कौरमा बनाएंगे नमक डालिएगा अपने हिसाब से तकरीबन 1 टीस्पून एंड हाफ, और चाइनीज सॉल्ट इन तमाम चीज़ों में डलता है भाई, आपने डालना डालें, नहीं डालना है कोई मसला नहीं है, 2 टेबल स्पून। अच्छा जी, थोड़ा सा ज़रदा कलर चाहिए होगा और हमें ऑयल चाहिए होगा तकरीबन 1 पाव से 1.5 पाव आप डाल सकते हैं। वैसे तो बाजारों में जो खाते हैं उसमें 10 किलो की बिरयानी में तकरीबन 1/2 किलो या 3 पाव ऑयल डला होता है, तो हम डाल सकते हैं। तो चले आए जल्दी से बनाते अब्बा बिरयानी। सही जी, हमने ऑयल डाल दिया और इसके अंदर जाएगा ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट 1, 2, 3। लहसुन अदरक का पेस्ट बिरयानी में हमेशा ज़्यादा जाता है, ये चावल डालने के बाद बिरयानी उसकी नहीं रहती जितनी होती है। नमक जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं फिलहाल, कमी पेशी जो होगी वो देख लेंगे। अच्छा जी, मैं वो नहीं बोलूँगा जी जर्दे रंग में इसमें मिला के आप डालें, मैं ऐसे डालता हूँ भाई, अभी डालेंगे क्योंकि फिर अगर बाद में डालेंगे तो मुर्गी हमारी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। इसकी बिरयानी की इतनी मुर्गी होनी चाहिए कि उसकी बोटी खड़ी रहे, बिल्कुल गले ना, एकदम कशीदा हो जाए, गल भी जाए और अच्छी भी लगे। ये चला गया हमारा दही 200 ग्राम। अच्छा जी, चले गई हमारी हल्दी भी जाएगी इसके अंदर, अभी 1 टेबल स्पून हल्दी।
1 टेबल स्पून लाल मिर्च। मैं थोड़ी स्पाइसी बना रहा हूँ इसलिए मैं 1 टेबल डाल रहा हूँ, आपको कम डालनी हो कम डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून जीरा, क्योंकि थोड़ा हमने साबुत भी डाला। ये आ गया हमारा 1 टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा पिसा हुआ गर्म मसाला। ये आ गई हमारी 1 टी स्पून काली मिर्च। ये आ गया हमारा 1 टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट। ये आ गया हमारा धनिया 1, 2 और ये 3 और ये 4 टेबल स्पून। ये आ गई हमारा साबुत गर्म मसाला। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे, इसको मिक्स करें अच्छी तरह। अभी क्योंकि देखें पानी अभी कम रखा है, अभी मुर्गी का भी पानी निकलेगा, फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर चावल हमारे डीले हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, इसलिए नॉर्मल पानी रखा जाता है। सही, इसको हम भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट। सही जी, 5 मिनट भूनने के बाद 1 बड़ा गिलास पानी। इसके अंदर टमाटर, ताकि टमाटर का पानी भी इसके अंदर सूख जाए और मुर्गी भी अपने टाइम पे रहे। कच्चे टमाटर आते हैं, कच्ची कच्ची उसके अंदर मिर्चें आती हैं, तो वो भाई इसका क्या फायदा कोई अलग से डालना है ऊपर, कम से कम उसको पकाएं तो थोड़ा फिर तो अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें टमाटर का पानी, दही का पानी, ये सब निकल आएगा और जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो फिर हम आते हैं आपके पास, इसको तेज़ आंच पे आप पकने दें अच्छी तरह। अभी आपने मसाले चेक कर लेने हैं, मिर्चें भी, नमक भी, वो जितनी अपने हिसाब से रखना चाहते हैं मिर्चें रखें। अभी जो मैंने डाली है बिल्कुल नॉर्मल और बेहतरीन। सही जी, 5 मिनट पकने के बाद ये जो हमारा प्रॉन प्याज था, 1 प्याली ये भी हम डाल देंगे। प्याज इसलिए डाला जाता है कि जो एक्स्ट्रा जो होती है ना इसका पानी, वो भी ये खींच लेता है और बिरयानी में बड़ा अच्छा फ्लेवर लेके आता है। कई बिरयानियाँ ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर प्याज नहीं डाला जाता, और कई है कि उसके अंदर प्याज डाला जाता है। अब हम इसको अभी पकने देंगे जब तक टमाटर थोड़ा सा नरम ना हो जाए, बिल्कुल टमाटर नरम नहीं करना, इसको पकने दें। सही जी, देखें पानी इसका बेहतरीन हो गया, थोड़ा ऑयल नीचे सामने आ गया, थोड़ा सा केवड़ा तो सेंस। ये है हमारा कौन सा केवड़ा? हर दफा की तरह जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने ऑयल ऐड अपना कलर किस तरह डालना, ज़रदा कलर ले लिया, एक एक बोटी पर डालें, बड़ा प्यारा कलर आएगा। ये कलर डाल दिया हमने, ये आ गया हमारा हरा धनिया और पुदीना, ये ऊपर आपने डाल देना है। ये थोड़ी सी आग हल्की करें। आगे जी हमारा चावल, अब हम चावल इस पर डाल देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दो किलो में आप 2 किलो चिकन भी डाल सकते हैं, आलू ऐड करना चाहते हैं आलू भी आप कर सकते हैं, मगर मैंने आलू नहीं डाला क्योंकि लोग हमारे बच्चे आलू नहीं खाते, वो ज़ाया होके जाते हैं। ये चावल सारे चले गए हमारे। अच्छा जी, अब तेज आ रहा है, थोड़ा सा पानी देके
तकरीबन एक छोटा कप पानी ऊपर छिड़क दे ताकि स्टीम बनने में अच्छा लगे। थोड़ा सा ऑयल और लेना तकरीबन आधा कप के करीब साइडों से, इसको हमने 2-3 मिनट तेज आंच पे पकाना है जब तक इसके अंदर पूरी स्टीम ना उठे। जब तक देखिए जी 3-4 मिनट हुआ ये स्टीम उड़नी शुरू हो गई है। अब हमने चूल्हा हल्का कर देना, बिल्कुल शुरू कर देंगे और इसको हम चढ़ा देंगे दम पे। इसके ऊपर कोई भारी चीज रख देंगे ताकि इसका दम बाहर ना निकले। अब हमने 10 मिनट के लिए इसको दम में चढ़ा दिया और 10 मिनट के बाद आते हैं दिखाते हैं। देखिए जी बिस्मिल्लाह, अब हम इसको बंद कर रहे हैं दम को, देखें बाहर निकल रही स्टीम। 10 मिनट हमने इसको दे दी स्टीम और अब हम हटाते हैं बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह 2-3 किस्म की तैयार हो गई है। देखें मैं निकाल के भी दिखाऊंगा आपको, कुछ मिले बनाने जाएंगे बेहतरीन मसाले वाली। ये मसाला सही जी भी है, फर्स्ट क्लास VIP बन गई। ये देखें जी, ये है अब्बा बिरयानी। हमारे चैनल पे किंग शेफ शाहिद जट जी, पास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरा नंबर लिखें 03150444। इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदा।